गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड जीके इन विच वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 to 31 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट 15 क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज साई इंग्लिश क्लासेज इज प्रोवाइडिंग यू द क्लासेज ऑफ जनरल नॉलेज एज वेल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ईयर। According to 2011 census, which district of Uttarakhand had negative population? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उसकी नेगेटिव पॉपुलेशन रही है या रही थी, कहने का मतलब है 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रही, तो ऑप्शंस जो हमारे पास है उसमें अल्मोड़ा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्मोड़ा की जो बात करें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो निगेटिव थी। तो वो कितनी थी, वो थी फ्रेंड्स -1.64%, -1.64%। तो ये निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी जो उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की थी। ये किसके कारण थी, ड्यू टू माइग्रेशन। इसका मेन कारण क्या था, ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मेन कारण था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड। कौन सा इसमें से जो है बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं गोविंद कॉर्बेट, राजा जी एंड नंदा देवी। सो फ्रेंड्स, नंदा देवी विल बी करेक्ट आंसर। इट इज सिचुएटेड अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी। वे जो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, जो नंदा देवी के है पीक है, जो चोटी है उसके आसपास ये क्या है सिचुएटेड है, स्थित है। तो नंदा देवी जो पर्वत है, जो चोटी है, उसकी अगर बात करें तो उसकी हाइट कितनी है, 7,816 मीटर, 7,816 मीटर है उसकी। अभी जो जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, इसको ही दूसरे नाम से जाना जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, कंफ्यूजन नहीं करना है इस पर, नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नंदा देवी नेशनल पार्क की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस पार्ट एंड ओवरऑल 18th क्वेश्चन। विच लेक ऑफ उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री लेक। कौन सा लेक जो है, लेक मीन्स ताल या झील, मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो रूपकुंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ फ्रेंड्स, रूपकुंड जो लेक है ये जानी जाती है मिस्ट्री लेक के नाम से। रहस्यमयी ताल बोलते हैं हिंदी में, रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल या झील के नाम से किसे जाना जाता है, रूपकुंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन उत्तराखंड। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड में। ऑप्शंस वी हैव हियर। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन विल बी गंगोत्री ग्लेशियर। जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये जो है लोकेटेड है गंगोत्री ग्लेशियर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। विच क्वीन इज ऑल्सो नोन एज नकटी रानी। नकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है गढ़वाल में, गढ़वाल में नकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कर्णावती, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्णावती रानी को नकटी रानी के नाम से जाना जाता है गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ट्रीटी ऑफ सुगोली टू प्लेस इन द एयर। अब जो सुगोली की ट्रीटी थी, ट्रीटी में संधि, सुगोली की जो संधि थी वो कौन से ईयर हुई थी, तो कौन से ईयर हुई थी फ्रेंड्स, 1815 में हुई थी सुगोली की जो संधि थी। अब जो ये ट्रीटी थी इसकी बात करें, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल, कहाँ पे हुई थी ये, इसकी सुगोली की जो संधि थी ये एस्टेब्लिश कहाँ पे हुई थी, बाउंड्री ऑफ नेपाल, बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल बोल सकते हैं, जो नेपाल की सीमा रेखा है वहाँ पे, कब, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडर रिवर जॉइंस अलकनंदा एट, जो पिंडर रिवर है, पिंडारी जो नदी है वो जुड़ती है, मिलती है अलकनंदा से, कहाँ पर मिलती है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्क करके, पिंडार एंड अलकनंदा जो है ये कर्णप्रयाग में मिलते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द उत्तराखंड हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे गवर्नर, तो सुरजीत सिंह बरनाला विल बी द करेक्ट आंसर, डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड शेयर इट्स बॉर्डर विद विच प्रोविंस ऑफ नेपाल, नेपाल के कौन से प्रांत से जो है उत्तराखंड अपना जो है बॉर्डर यानी कि सीमा रेखा जो है साझा करते हैं, तो नेपाल का कौन सा प्रोविंस है, कौन सा प्रांत है, सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, सुदूर पश्चिम प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुदूर पश्चिम प्रदेश है जिसके साथ उत्तराखंड अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, पहले चीफ जस्टिस कौन थे उत्तराखंड के, तो ऑप्शन जो हमारे पास है इसमें अशोक अभेंद्र देसाई, ए देसाई, सी विल बी द करेक्ट आंसर, पहले चीफ जस्टिस थे ये जो है उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली, पहले जो स्पीकर के रूप में उत्तराखंड असेंबली यानी कि उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, किसे चुना गया, इलेक्ट किया गया, तो वो कौन थे, प्रकाश पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तराखंड इज, अब उत्तराखंड की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा, तो उसमें टोटल सीट्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सदस्यों की संख्या, तो वो होती है फ्रेंड्स 70 में जो है 15 सीट्स जो होती हैं रिजर्व्ड होती हैं, जिसमें 15 में से बात करें तो 13 SC कोटे की होती हैं शेड्यूल कास्ट की, और 2 होती हैं ST कोटे की, शेड्यूल्ड ट्राइब बोल सकते हैं, टोटल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फ्रॉम विच ईयर द स्टेट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरांचल, उत्तराखंड कब से जाना जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब से रख दिया गया कहने का मतलब ऑफिशियली, तो ये रखा गया था 2007 से, 1st of January यानी कि 1 जनवरी 2007 से रखा गया उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड, 27वां राज्य था ये। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली एवरी ईयर,
उत्तराखंड डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष यानी कि हर साल, तो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 9 नवंबर, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2000, दैट्स वाई उत्तराखंड डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली एवरी ईयर ऑन 9 नवंबर। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड फ्लावर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का स्टेट यानी कि राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ब्रह्म कमल को घोषित किया गया। और ब्रह्म कमल का जब साइंटिफिक नेम की बात करें तो सुसूरिया अबवेलेटा है, सुसूरिया अबवेलेटा, कहीं पे इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो सुसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो है इसको बात कर रहे हैं तो नाइट ब्लूमिंग सिरस भी के नाम से भी जाना जाता है, नाइट ब्लूमिंग सिरस, क्वीन ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ द नाइट, ये इसके अदर नेम्स हैं, क्वीन ऑफ द नाइट, लेडी ऑफ द नाइट एंड और बोल सकते हैं नाइट ब्लूमिंग सिरस के नाम से इसे जाना जाता है। और ब्रह्म कमल जो है ये यूजफुल है, किसके लिए उपयोगी है? ब्रह्म कमल इज यूजफुल मेडिसिन टू ट्रीट फीवर्स, जो ब्रह्म कमल है ये उपयोगी है किसके लिए, किसकी दवा के लिए? फीवर की। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।